सो हे गाइस, दिस इज बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। आज का सवाल है कि आखिर आपको क्लास 10th के बाद कौन सा करियर ऑप्शन से चूज करना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में यार आपको जाना चाहिए। आखिर एक स्टूडेंट साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, कौन से स्ट्रीम में उसको जाना जरूरी है, किन चीजों का ध्यान रखते हुए आप इस स्ट्रीम को चूज कर सकते हो, इस स्ट्रीम को चूज करते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, पीयर प्रेशर क्या होता है, फैमिली इन्फ्लुएंस क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपके फैमिली वालों ने कुछ कहा है, दोस्तों ने कुछ कहा है, आपका खुद का इंटरेस्ट कुछ है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक स्ट्रीम डिसाइड करने का सही तरीका ढूंढने वाले हैं, जिससे कि आप एक राइट डिसीजन ले सको। आखिर आपको साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, आखिर आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए। तो क्लास 10th के बाद किसी भी स्टूडेंट के पास या कुल मिलाकर के 3 स्ट्रीम यार होते हैं। आइदर आप साइंस के लिए जा सकते हो, आर्ट्स के लिए जा सकते हो, कॉमर्स के लिए जा सकते हो, इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम को यार आप चूज कर सकते हो। पर कौन सी स्ट्रीम को चूज करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए यार बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, उसके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो इस डिसीजन को आपको किस तरीके से लेना चाहिए आज के वीडियो में हम लोग यार खुलकर डिस्कशन करेंगे। तो देखो यार, अगर मैं आपसे पूछूंगी क्लास 10th के बाद आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, आपको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है, तो मेजोरिटी बच्चे यार यहां पर अपना डिसीजन यार मार्क्स के बेसिस पे ले लेंगे। ज्यादातर बच्चे यार यही सोचेंगे कि अगर हमारा स्कोर 75% से ऊपर है, 80% से ऊपर है, तो हमको साइंस के लिए ही जाना चाहिए, कॉमर्स और आर्ट्स को लेकर के हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो चुका है, 10th में हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, हमें साइंस ही लेना चाहिए, हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। वहीं पर दूसरे बच्चे जिन लोगों का स्कोर थोड़ा सा कम आया होगा, 60 से 75% के अंदर आया होगा, तो वो लोग डायरेक्टली सोचेंगे कि हमें कॉमर्स में जाना चाहिए या तो फिर आर्ट्स में जाना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम परफॉर्म किया होगा, वो लोग डायरेक्टली सोचेंगे कि हमारे पास ज्यादा कोई करियर ऑप्शंस है नहीं, हम लोगों को आर्ट्स ही लेना चाहिए। तो मार्क्स के बेसिस पर अपना करियर डिसाइड करना है बहुत ही गलत तरीका है। आपने जिस तरीके से क्लास 10th में परफॉर्म किया है, जरूरी नहीं है कि यार क्लास 11th में और क्लास 12th में भी उसी तरीके से परफॉर्म कर जाओगे, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th ये कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं क्लास 11th और 12th से। इनका क्लास 11th और 12th से कोई लेना देना नहीं है, आपके फ्यूचर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस सब्जेक्ट में, जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा, उसी में आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। होता क्या है कि कई सारे बच्चे अपना स्कोर देखते हैं कि यार उनका साइंस में बहुत ज्यादा स्कोर आया है, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो उन लोगों को साइंस स्ट्रीम में ही जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपके सामने एक क्लियर कट इमेज होना जरूरी है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपको किन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, कौन सी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कितना पढ़ना पड़ेगा, आखिर साइंस लेने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन आ जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। होता क्या है कि जैसे हमारा क्लास 10th का रिजल्ट निकल जाता है, हमारे फैमिली से हमें सजेस्ट करना शुरू करते हैं कि आपको साइंस ही लेना चाहिए, कॉमर्स ही लेना चाहिए, इसी स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए, आपको यही स्ट्रीम चूज करना है, किसी भी तरीके से आपको यही स्ट्रीम चूज करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, आपको साइंस लेना चाहिए, साइंस में बहुत ज्यादा फ्यूचर है, क्योंकि हमारे फैमिली वालों ने दूसरों को देखा हुआ है, वो सराउंडिंग से यार इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, उन्होंने देखा हुआ है कि यार शर्मा जी के बेटे ने साइंस लिया था, उसका कितना अच्छा प्लेसमेंट यार लग चुका है, वो कितना अच्छा कमा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो हमारा बेटा भी उस चीज को कर सकता है। सिमिलरली यार आप अपने दोस्तों को देखना शुरू कर दोगे कि आपके दोस्त क्या लेने वाला है, साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, और अकॉर्डिंगली आप ही वही स्ट्रीम यार चूज कर लेते हो। आपका दोस्त अगर साइंस ले रहा है तो आपको भी साइंस लेना है, आपका दोस्त अगर आर्ट्स ले रहा है तो आपको भी आर्ट्स लेना है, तो ये भी एक गलत तरीका है। आपको हर तरफ से यार इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा कि आपको साइंस लेना चाहिए, आपको कॉमर्स लेना चाहिए, आपको आर्ट्स लेना चाहिए, पर मेजर सवाल यार यही उठता है कि आखिर आपको लेना क्यों है, साइंस क्यों लेना है, आर्ट्स क्यों लेना है, कॉमर्स क्यों लेना है, आपको इस सवाल का जवाब पता होना है जरूरी है। अगर आप साइंस लेना चाहते हो क्यों लेना चाहते हो, आर्ट्स लेना चाहते हो क्यों लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो क्यों लेना चाहते हो, अगर लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पर आपको भी अगर कोई पूछे कि आपको लेना क्या है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, क्यों लेना है, आपको खुद को भी नहीं पता, आपको खुद को भी नहीं पता कि आपको लेना क्या, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि उस स्ट्रीम में होता क्या है। आप सोच रहे हो कि यार साइंस जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत होता नहीं है, जितना कम पढ़ करके आप यहाँ पर स्कोर कर रहे हो, क्लास 9th में जितना स्कोर कर लिया, क्लास 10th में जितना स्कोर कर लिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्लास 11th और क्लास 12th में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यार यहाँ पर आप कन्फाइंड हो चुके हो, साइंस लेना है तो सिर्फ और सिर्फ साइंस की चीजें ही पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर आपको सोशल, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस पर ही कन्फाइंड होना है, तो जितने चीजें कन्फाइंड होती जाएंगी आपको उतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तो चीजों को आपको समझ में आना जरूरी है। आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है वो आपको पता होना जरूरी है, आपके पास कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप साइंस लेते हो तो आपके पास कौन से कौन सी चीजें अवेलेबल है, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है, इन सभी चीजों की डिटेल नॉलेज आपको होनी जरूरी है। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि यार आपको कौन सी चीजें लेनी है, आपको ये पता होना जरूरी कि अगर आप साइंस लेते हो तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना मेहनत करोगे तभी जाकर के आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आप दूसरों के साथ कॉम्पीट करके आप आगे निकल सकते हो। तो वीडियो यार अभी दो तरीके के बच्चे देख
रहे होंगे, पहले तो वो जिन्होंने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले रखा है कि उनको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, और दूसरे वो जो अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, वो हर तरफ से घिरे हुए हैं कि आखिर उनको करना क्या है। तो सबसे पहले तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछो कि आखिर उस स्ट्रीम में आपको जाना क्यों है। साइंस लेना है ठीक है, कॉमर्स लेना है ठीक है, आर्ट्स लेना है ठीक है, लेकिन आपको उस स्ट्रीम में जाना क्यों है? क्योंकि जितने भी क्लास टेंथ के बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे साइंस स्ट्रीम में ही जाना चाहते हैं। उन लोगों को अगर आप पूछते हो कि आप साइंस में क्यों जाना चाहते हो, तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब होता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है या तो फिर मेडिकल करना है। थर्ड ऑप्शन उनको कुछ पता ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चों को पता तक नहीं रहता कि साइंस स्ट्रीम में आखिर करियर ऑप्शंस होते क्या क्या है। और यहीं पर यार आपसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपके पास सारे के सारे इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, कितने करियर ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप साइंस लेते हो कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कॉमर्स लेते हो कौन से करियर ऑप्शंस हैं, अगर आप आर्ट्स में जाते हो तो कौन से करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे तो आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ जाएगी। आप सोच ही नहीं पाओगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, आखिर आप करना क्या चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं, पड़ोस वाले आंटी कुछ कह रही है, शर्मा जी का बेटा कुछ कह रहा है, आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, किस तरीके से आपको प्रोड्यूस करना है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिसीजन है आपको लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना आपको है। फिर साइंस में भी यार आपको ऑप्शन आ जाते हैं कि यार आपको पीसीएम में जाना है, पीसीबी में जाना है, तो सही तरीके से डिसाइड करना है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यार एक ही वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आने वाले वीडियोस में हम लोग यार खुल के इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप साइंस लेने चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, क्या आप कर सकते हो, किस स्ट्रीम को आपको चूज करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए, पीसीएम लेना चाहिए, पीसीबी लेना चाहिए, बायोलॉजी में जाना चाहिए, मैथमेटिक्स में, आईटी में जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए, कौन से स्ट्रीम को आपको चूज करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्लास 11th में जाने से पहले आपको कौन सी चीजें ऑलरेडी पता होनी जरूरी है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको सही तरीके से एक स्ट्रीम चूज करने में ये सारी की सारी चीजें यार आपको जरूर मदद करेंगी। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग यार इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।